व्यूअर्स हम तैयारी कर रहे हैं नववी इंग्लिश वार्षिक परीक्षा की और आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे आपके बिहाइव बुक के तो बिहाइव में सबसे पहले हम पोइट्री वाला सेक्शन लेकर उसके क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे इसमें केवल हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही तैयार करने वाले हैं तो शुरू करते हैं और इनके आंसर इतने आसान हैं कि आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है पोयम वन का द रोड नोट टेकन तो इसका क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ वट प्रॉब्लम डज ही फेस ट्रेवलर ने अपने आप को कहा पाया था और कौन सी समस्या का वह सामना कर रहा था तो इसका आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट ए क्रॉस रोड इन ए प्रॉब्लमर फाइंडस हिमसेल्फ एट ए क्रॉस रोड इन ए फॉरेस्ट ट्रेवलर ने अपने आपको फॉरेस्ट uh, मतलब जंगल में एक दो राहे पर पाया था द प्रॉब्लम ही फैसेस इज डेट उसने जो समस्या का सामना करा था वह थी ही कैन नोट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सा रोड ले अपने आगे की यात्रा के लिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसका विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पॉइंट चूज एंड वाई विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पॉइंट चूज एंड वाई दो रास्तों में से पॉइंट ने कौन सा चूज करा था और क्यों तो इसका आंसर है द पॉइंट चूज द सेकेंड रोड द पॉइंट चूज द रोड उसने दूसरा रास्ता चूज करा था बिकॉज ही थिंकिंग दैट ही वुड कम टू इट सम अदर वे ठीक है बिकॉज ही थिंकिंग डेट ही वुड कम टू इट समर डे क्योंकि उसने यह सोचा कि वह जो पहला रास्ता उस पर किसी और दिन जाएगा इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह आपकी पोयम टू वाइंड का है और इसका जो क्वेश्चन है वह हाउ डज द पॉइंट वांट द वाइन टू कम हाउ डज द पॉइंट वांट द वाइन टू कम तो इसका आंसर है द पॉइंट वांट्स द वाइन टू कम स्लोली एंड नोट टू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग द पॉइंट

थ्रो द बुक्स एंड टीयर्स them. द वाइंड गोड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज स्केटर्स द पेपर्स थ्रो द बुक्स एंड टीयर्स them. इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है रेन ऑन द रूफ पोएम का और इसका क्वेश्चन है व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक वॉट साउंड डू द ड्रॉप्स मेक तो इसका आंसर है द रेन ड्रॉप्स प्ले म्यूजिक ऑन द रूफ एंड क्रिएट ए साउंड ऑफ पिटर पेटर द रेन ड्रॉप प्ले म्यूजिक ऑन द रूफ एंड क्रिएट ए साउंड ऑफ पिटर पैटर इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाट मेक्स एन इको इन द पॉयर्स हार्ट वाट मेक्स एन इको इन द पॉयर्स हार्ट तो इसका आंसर है द साउंड ऑफ रेनड्रोप्स मेक्स एन इको इन पोयस हार्ट द साउंड ऑफ रेनड्रोप्स मेक्स एन इको इन द पॉइट्स हार्ट इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है नो मैन आर फोरेन वाली पोयम का है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोम डज द पॉइंट रिफर टू तो एस अवर ब्रदर्स एंड वाई वोम डज द पॉइंट रिफर्स टू तो एस अवर ब्रदर्स एंड वाई अवर ब्रदर्स हमारे भाई हमारे भाई वाला जो शब्द है यह जो वर्ड है यह किसके लिए प्रयोग करा था पोइट ने कवि ने तो इसका आंसर है द पोइट रिफर्स टू द दीपुल लिविंग इन अदर कंट्रीज एस अवर ब्रदर्स द पोइट रिफर्स टू द दीपुल लिविंग इन अदर कंट्रीज ऐसे लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं उनके लिए उन्होंने अवर ब्रदर्स प्रयोग करा है बिकॉज द डिसमिलरिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्शन लैंग्वेज ड्रेस कल्चर एंड नैशनैलिटी डू नोट एंड मस्ट नोट सीग्रेगेट अस एस ह्यूमन बींगस टू दीपुल लिविंग इन अदर कंट्रीज एस आवर ब्रदर्स बिकॉज द डिस ऑफ कॉम्प्लेक्शन

Absorb years of ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर इट मेक strong. अ ट्री ग्रोन ऑन द अर्थ पेड़ जो है अर्थ मतलब धरती पे उगता है फिट्स ऑन इट्स क्रस्ट इसकी जो है परतों से ही वह भोजन प्राप्त करता है Absorbs years ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर और कई वर्षों तक वह वर सूर्य की रोशनी हवा और पानी को एब्सॉर्व करता है इट मेक देम स्ट्रॉन्ग और यह उसको स्ट्रांग बनाता है तो हाउ डज ए ट्री बिकम स्ट्रांग का आंसर है ट्री ग्रोन ऑन द अर्थ फिट्स ऑन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्ब्स यर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर इट मेक देम स्ट्रांग बाद इसी पोयम का जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह है हाउ डज द ट्री हील इट्स सेल्फ हाउ डज द ट्री हील इट्स सेल्फ तो इसका आंसर है द ट्री कैन हील इट्स सेल्फ बाय एब्सोर्बिंग द एयर वॉटर एंड सनलाइट आफ्टर बींग अटेक्ड चॉप्ड एंड द ट्री कैन हील इट्स सेल्फ बाय एब्सॉर्बिंग द एयर वॉटर एंड सनलाइट आफ्टर बींग अटेक्ड चो एंड है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील वाली पोयम का है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोइट्स फिलिंग वॉट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोइट फिलिंग तो इसका आंसर है द पोइट वॉज शोक्ड By his beloved death. The poet was shocked by his beloved's death, but the slumber brought peace to his mind. P E A C E, peace, meaning, to his mind. The poet was shocked by his beloved's death, but the slumber brought peace to his mind. प्रकार से हमने बिहाइव के पोइट्री सेक्शन के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं इसके बाद अगले वीडियो में हम मोमेंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नब्बे की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए